हेलो, इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा अपना यूपीएससी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, यूपीएससी सीएपीएफ 2022 टू बी प्रिसाइज। तो देखते हैं क्या हुआ। 3 जुलाई, ये इस सीज़न का सबसे पहला मैं ही था। 3 जुलाई से इंटरव्यू चालू है, सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग थी। और जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है कहाँ का, यूपीएससी भवन का या फिर इसी को कहते हैं ढोलपुर हाउस, वो है खान मार्केट। तो सबसे पहले आपको वहाँ सेंट्रल सेक्रेटरीट से चेंज करना पड़ता है। तो ये तो मेट्रो की बात हो गई, जैसे तैसे पहुँच तो जाते ही हैं खान मार्केट मेट्रो स्टेशन। अब खान मार्केट के बाद क्या करना है, यहाँ से आप निकलेंगे और ऐसे ये रहा खान मार्केट, KM लिख दूँ, और यहाँ पे है यूपीएससी भवन UB। तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है 600-800 मीटर के आसपास। फिर यहाँ से हम पहुँचे कहाँ, ढोलपुर हाउस यूपीएससी भवन इंटरव्यू के लिए। और वहाँ पे 2 फेमस वॉल, एक यूपीएससी और एक रेड वाली यूपीएससी, वहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचाना है और उसके बाद 9 बजे से एंट्री हो जाएगी। तो हाँ, मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ, ये रही। और फिर मैं थोड़ा पोज उसके मूड में आ गया और ये रही फ़ोटोज़। उसके बाद एंट्री होती है सबसे पहले 9 बजे, गेट पे 9 बजे का ही टाइम था। तो एंट्री हुई, उसके बाद हमें सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सामान यहाँ जमा करने थे, जैसे कि फ़ोन और ब्लूटूथ और क्या हो गया लैपटॉप, ये जितनी चीज़ें वो जमा हुई। और एक हमें टोकन दे दिया कि वापस आते टाइम ले लेना। उसके बाद फिर हम सब लोग गए वेटिंग हॉल में, जहाँ पे एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइप का होना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर हम जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले वहाँ पे एक जैसे किसी एग्ज़ाम में होता है कि फ़ोटो लिया, साइन लिया, तो लैपटॉप के पास बैठ के उन्होंने फ़ोटो खींचा और डिजिटली साइन कराया एक पैड पे, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने ग्रुप बांट दिए। तो हमारे यहाँ 9 बजे रिपोर्टिंग थी 18 लोगों की, तो 3 टेबल थे वहाँ वेटिंग हॉल में, तो 6 6 6 ऐसा हुआ। और इन 6 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ होगा, और इनको एक बोर्ड अलॉट हुआ है, यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाएंगे। ये सेकंड बोर्ड हो गया और ये वाला थर्ड बोर्ड हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट क्या ले जाना ये बताना ज़रूरी तो नहीं, पर जिनका है उनमें पता ही है, 10th डिग्री, OBC सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें, और अटेस्टेशन फॉर्म 5 और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। 5 फ़ोटो वहाँ लगेगी प्लस 2, यानी कि टोटल डॉक्यूमेंटेशन का काम हुआ। और उसके बाद अच्छा, रिफ्रेशमेंट के लिए क्या क्या था यहाँ पे, यहाँ पे भी था चाय थी और एक फ्रूटी था, वो जो फ्रूटी 10-20 वाला होता है, और एक ब्रिटानिया वाला वो जो केक होता है वो था, और चाय के साथ 2 बिस्किट की एक छोटी सी पैकेट और पानी की बॉटल। तो मैंने भी सोचा कि ये मलाल ना रह जाए कि UPSC आए चाय नहीं पी यहाँ की, तो चाय पी लिया। लेकिन इत्तेफाकन मेरा इंटरव्यू सबसे पहले ही था, तो मैं कुछ खा पी नहीं पाया यार, मैं सीधा चला गया डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए। तो हाँ, इस बात का मलाल तो है कि यार मैं फ्रूटी और ब्रिटानिया केक थोड़ा अगर लेट में होता ना तो खाता पीता। उसके बाद ये तो डॉक्यूमेंट हो गया। हाँ, उसके बाद वहाँ से बैग लेके मैं आया और यहाँ पे फिर इन्होंने बैग सबमिट कर लिया और मुझे इंटरव्यू के लिए भेज दिया गया। इंटरव्यू देकर मैं आया, बैग लिया और UPSC के बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूँ। अच्छा, इसमें कई बोर्ड होते हैं, तो ये बोर्ड का क्या है, देखिए मैं थोड़ा सा बता दूँ। मेरा इंटरव्यू हुआ है प्रीति सुडान मैम के बोर्ड में, ये बोर्ड 3rd था। ये बोर्ड क्या होता है, UPSC मेंबर क्या होते हैं, तो शुरुआत में मैं कन्फ्यूज़ था, तो मैं सोचता हूँ आपको भी बता दूँ। UPSC में 6 मेंबर हैं, एक चेयरमैन साहब हैं, ये रही उनकी लिस्ट, विकीपीडिया से आपको मिल जाएगी। ये 6 मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक ये मनोज सोनी साहब चेयरमैन है। तो अब ये जो 6 लोग हैं इनका मतलब अलग अलग बोर्ड होगा, ऐसे 1 2 3 ज़्यादा बन गया क्या, यानी कि यहाँ पे बैठेंगे कौन, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, यहाँ पे प्रीति सुडान मैम, और यहाँ पे मान लेते हैं स्मिता नागराज। तो ये ऐसे सब लोग अपना अपना इंटरव्यू का बोर्ड है और उस बोर्ड के ये लोग चेयरमैन हैं। मैं पहले क्या सोचता था कि यही 6 लोग लेंगे मिलके, कि स्मिता नागराज मैम बैठी होंगी, ये बैठे होंगे, ऐसे नहीं है। हर एक का अपना अपना अलग बोर्ड है, और इनके साथ मान लीजिए आपका यहाँ अलॉट हुआ तो इनके साथ 3-4 लोग और हो जाएंगे। तो ये 1 बोर्ड 2 बोर्ड 3 बोर्ड ऐसे करके बोर्ड होते हैं। तो हमारे टाइम पे 3 बोर्ड चल रहे हैं और मुझे अलॉट हुआ प्रीति सुडान मैम का बोर्ड, यानी कि प्रीति सुडान मैम इस बोर्ड की चेयरमैन होंगी और इनके साथ 3 लोग और थे, टोटल कितने लोग थे, 4। तो ये रहा ऐसा रूम, यहाँ पे मैं से बाहर बैठा, यहाँ पंखा लगा था, पर्सनल पंखा था, और यहाँ पे शायद राउंड टेबल थी कैसी थी, यहाँ मैं, यहाँ वो, यहाँ प्रीति सुडान मैम, यहाँ एक और, यहाँ एक और,
तो ऐसे चार लोग थे और यहाँ से मैं यहाँ बैठा और इंटरव्यू हुआ शुरू। और तो हाँ, इंटरव्यू में चार मेंबर थे और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इंटरव्यू कैसा हुआ। अच्छा हाँ, और इंटरव्यू जाने से पहले वहाँ पे जब मैं बाहर बैठा था, काफ़ी थोड़े टाइम पे के लिए बैठे था, तब वो आते हैं, एक सर टाइप के आते हैं, उनकी मूछें थी, तो आए बोले पानी लेंगे सर? मैंने कहा हाँ सर। तो यहाँ सर्वर करके बात कर रहे थे और अच्छा लगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले मैं अंदर गया, गुड मॉर्निंग विश किया मैम को और सर को, सॉरी। हाँ, तो सबसे पहले मैं अंदर गया और मैम को विश किया, सभी लोगों को विश किया और मैम ने कहा बैठ जाओ, बैठ गया। फिर मैम ने थोड़ी सी कहा कि विनय, आई कैन सी दैट यू आर अ गुड कैंडिडेट, बट व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट डू यू मेक ऑन इंस्टाग्राम? हॉबीज़ में, जैसे इनके पास डैफ होता है, जैसे SSB में PIQ फॉर्म होता है, वैसे यहाँ पे डैफ होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर मेरे क्वेश्चन चालू हो गए। पोएट्री मैंने ये कहा था कि मैम मैंने अपने पे ही लिखा है कि क्या लिखे, खुद को तुम कवि समझ लिए, तो इस पर चारों लोग हंसने लगे थे। और दूसरी पोएट्री मैंने ये वाली सुना दी, मैं स्कैन कर रहा था कौन सी सुनाऊँ, मैंने सोचा प्यार मोहब्बत की सुना दूँ ठीक नहीं रहेगा, फिर मुझे याद आ गई वो अभी रिसेंटली फ्लूइड मैकेनिक्स में था कि बहती नदी का गहरा पानी शांत है, ये बात तो सरेआम बताया गया लेकिन उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ये बात सबसे छुपाया गया, तो ये अच्छा नहीं हुआ। मुझे कुछ अच्छी शायरी बोलनी चाहिए थी वहाँ, वो याद है ना, PATM प्लस ROGS हो जाता है उस पर। फिर मेरे चालू हुए क्वेश्चंस। तो सबसे पहले सेकंड मेंबर ने पूछा, जैसे चार मेंबर थे यहाँ, प्रीति सुडान मैम ने तो ये पोएट्री पूछी घुसते ही, उसके बाद अब ये पूछ रहे हैं, फिर मेरे से पूछा इन्होंने, फिर इन्होंने। तो इन्होंने पूछा विनय, मणिपुर प्रोटेस्ट इसके बारे में कुछ बताओ, और क्या है एग्जैक्टली, क्या हो रहा है मणिपुर प्रोटेस्ट, तो ये बताया। फिर उसके ऊपर फॉलो अप क्वेश्चंस आने लगे कि विनय, डू यू नो कि व्हेन डिड द मणिपुर बिकेम पार्ट ऑफ अ ब्रिटिश इंडिया? मैंने कहा सर 1972 में स्टेट बना है। बोला नहीं नहीं, ब्रिटिश इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री, आर यू अवेयर ऑफ इट? तो उस पर कुछ बातें की, मुझे नहीं पता था। उसके बाद फिर मणिपुर प्रोटेस्ट के बाद और थोड़े बहुत इसी पे क्वेश्चन हुए। फिर उन्होंने पूछा रशिया यूक्रेन वॉर पे कि अभी क्या चल रहा है और इसको कैसे सुलझाएं, रशिया यूक्रेन वॉर पूछा। उसके बाद वो चले गए उस पे फ्रांस, बोले फ्रांस में प्रोटेस्ट चल रहा है, एक अभी टीनेजर वाला इशू है, उसके बारे में बात किया। अच्छा, जब मैं कोई टॉपिक कह रहा हूँ तो उस पर थोड़े बहुत फॉलो अप क्वेश्चंस भी थे, तो फ्रांस प्रोटेस्ट पे मैंने मना कर दिया कि नहीं पता है, आई एम नॉट अवेयर। तो मैम ने कहा ओके, डू रीड अबाउट इट। तो फ्रांस वाले पे मैंने सीधा मना कर दिया था। उसके बाद पूछा इन्होंने, फिर सेकंड वाले मेंबर पे आ गए और उन्होंने जो पूछा है, मैं तो सोच रहा था कि ये जल्दी ख़त्म करो यार। उन्होंने पूछा कि विनय, रिसेंटली अभी जोशी मठ में लैंडस्लाइड्स हुई है, तो ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ है, 6-7 महीने हो गए, अगर आप CA पे प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरे दोस्त ने बताया कि उन लोगों को पता है, उन लोगों ने इस पे रिपोर्ट तैयार की है। तो जोशी मठ में लैंडस्लाइड हुई, तो उन्होंने पूछा कि लैंडस्लाइड क्यों हुई, ये मैनमेड था कि नेचुरल था, अगर मैनमेड था तो हम कैसे इसको कम कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ ना कुछ तो बनाना ही होगा, और अगर बनाना होगा तो नेचर के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, तो कैसे इसको मैनेज करें, इस पे पूछा। फिर वो आ गए चाइना पे, बोले कि चाइना का जो ट्रेड है हमारे साथ वो तो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा ट्रेड बढ़े, तो इस पे क्या क्या आप क्या आपके व्यूज़ हैं, और कैसे हम अपना ट्रेड बढ़ा सकते हैं और कैसे उनसे हम कम्पीट कर सकते हैं, चाइना से ये बात हुई। फिर उन्होंने कहा, मैपिंग पे आ गए, बोला कि आपको जाना है कीव, तो यू हैव टू गो वाया लैंड रूट ओनली, कैसे जाओगे? तो मुझसे यहाँ एक गलती हो गई, मैंने अज्यूम किया कीव इज़ अ कैपिटल ऑफ रशिया और मैंने बता दिया रशिया, लेकिन कीव अब बाद में पता चल याद आया कि कीव तो उसकी राजधानी है ना यूक्रेन की, रशिया की तो मॉस्को है। तो मैंने कहा सर रशिया मंगोलिया एंड देन सॉरी चाइना मंगोलिया रशिया। तो बोला विनय, व्हेन यू गो बैक जस्ट सी द मैप वंस। मैं कहा ठीक है, वापस आया मैं सबसे पूछा, सब कह रहे हैं हाँ ठीक है, लेकिन उसने पूछा तो कीव था और कीव कैपिटल किसकी है, यूक्रेन की, या तो मैं एक वर्ड और बोल देता कि सर रशिया यूक्रेन, मज़ा आ जाता। वो पूछना चाह रहे थे इधर मिडल ईस्ट या सेंट्रल एशिया वाला रास्ता, अफगानिस्तान ईरान वाला। फिर वो अफगानिस्तान पे आ गए, फिर उन्होंने अफगानिस्तान पूछा कि अफगानिस्तान में क्या चल रहा है,
अफगानिस्तान का लैंड बॉर्डर पूछा कि अफगानिस्तान का बॉर्डर इंडिया के साथ है कि नहीं, और उसके और नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ईरान, पाकिस्तान और तजाकिस्तान, इसके नेबरिंग कंट्रीज़ पूछे। फिर वो आ गए लिथियम पे, बोले अभी लिथियम काफ़ी न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में है, तो अभी जम्मू कश्मीर में रिसेंटली मिला था ना इसकी साइट, तो लिथियम ये फ्यूल क्यों बढ़िया है, इसके ऊपर थोड़े से फॉलो अप क्वेश्चंस लिथियम पे। उसके बाद फिर आ गए आखिरी मेंबर, उन्होंने बात की उस पर, फिर वो CAPF ओरिएंटेड क्वेश्चन आ गया। अभी तक 95% जो मेरा इंटरव्यू है वो सिर्फ करंट अफेयर्स पे ही चला है, अब हम बात कर रहे हैं CAPF रिलेटेड क्वेश्चन। तो CAPF में उन्होंने पूछा कि विनय सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या करना चाहते हो CAPF में, और उन्होंने पूछा कि सपोज़ यू आर अ पैराट्रूपर, यू हैव जस्ट लैंडेड और तुम देखते हो कि सामने ही तुम्हारे प्रोटेस्ट हो रहा है, एंड प्रोटेस्ट कैसा होता है, यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट दे हैव सम पेबल्स ऑल्सो, सो हाउ विल यू डील विद द मॉब इन दिस सिनेरियो, ये इन्होंने पूछा। और फिर SRT में एक SRT पूछी कि विनय सपोज यू हैव टू अपॉइंट अ सबऑर्डिनेट, एक सबऑर्डिनेट की वैकेंसी तुम्हारे पास है और किसी को अपॉइंट करना चाहते हो, और टू ऑफ योर फ्रेंड्स आर अप्रोचिंग कि भाई मुझे अपॉइंट कर दो, मुझे अपॉइंट कर दो, तो आप किसको अपॉइंट करेंगे, ये पूछा। तो मैंने कहा सर पहले तो मैं देखूंगा कि कौन ज़्यादा कैपेबल है, उसके अकॉर्डिंग उसे अपॉइंट कर दूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं, सपोज दे बोथ आर ऑफ इक्वल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, तब क्या करोगे। तो मैंने कहा सर जो पहले अप्रोच कर देगा उसे कर दूंगा। तो उन्होंने जवाब दिया और बड़ा अच्छा जवाब था, मैं इसलिए आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि विनय सबसे पहले क्या करना कि फर्स्ट आस्क देम द रीज़न व्हाई दे वांट टू कम हियर, उनसे पहले रीज़न जान लेना कि ये दोनों आना क्यों चाहते हैं आखिर, उस रीज़न को जानने के बाद ही किसी को अपॉइंट करना। तो उनका आंसर बड़ा अच्छा लगा मुझे, मैं ऐसा सोचा ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें थी, और फिर लास्ट में थोड़े से SSB रिलेटेड क्वेश्चन, उन्होंने पूछा कि विनय व्हाई यू कुडंट मेक इट इनटू SSB, क्या कमी रह गई थी क्या तुम्हें लगता है। और फिर उन्होंने कहा कि अब अगर तुम SSB जाते हो, एज़ यू सीम्स मोर कॉन्फिडेंट नाउ, इफ़ इन केस यू गो फॉर SSB दिस टाइम, आर यू श्योर ऑफ गेटिंग अ रिकमेंडेशन 100%। मैंने तो मना कर दिया, मैंने कहा सर मैं अपने एफर्ट्स दे सकता हूँ, रिजल्ट 100% हो ही जाऊँगा मैं ये नहीं मानता। और अच्छा, इसी SSB के बीच में जब ये क्वेश्चन कर रहे थे तभी जो मैडम है प्रीति सुडान मैडम, वो डेफ में लिखा होता है कि मैंने कितनी बार CDS दिया क्या दिया है, तो मैम ने कहा कि सर ही वेंट CDS एंट्री फॉर 3 times। मैंने कहा मैम 6 times। वो मेरा नेचुरल रिस्पॉन्स निकल ही गया, शायद डेफ में मैंने कम लिखा होगा या फिर जब पहले भराया तब 3 ही बार का लिखा होगा, 4 बार का लिखा होगा। और क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा कि विनर डोंट यू थिंक दैट लैक ऑफ GK कैन बी वन ऑफ द रीज़न ऑफ नॉट गेटिंग अ रिकमेंडेशन, ये पूछा। और तो यानी ये मेरे पूरा इंटरव्यू का समरी थे, 95% के अराउंड इन्होंने पूछा मेरे से करंट अफेयर्स, और थोड़े बहुत CAPF के रिलेटेड क्वेश्चन कि प्रोटेस्ट कैसे डील करोगे, और कुछ नहीं पूछा कि प्रेफरेंस क्या है या कुछ नहीं पूछा मेरे से, और ना ही ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट या डेफ ओरिएंटेड, कुछ नहीं। फिर थोड़ी सी बात हुई SSB पे और मेरा इंटरव्यू हो गया ख़त्म। तो ये सारी कहानी थी जो आपको बतानी थी। अगर मुझसे पूछा जाए कि कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू, तो मैं कहूँगा इतना अच्छा तो नहीं था जितना मैंने सोचा था कि ऐसा होगा, क्योंकि बहुत ही जो टॉपिक जिस पर डिस्कशन हो रही थी वो थोड़े से वैसे थे यार, करंट अफेयर्स थे और ओपिनियन बेस्ड थे, तो इतना अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा इसे, इतना अच्छा नहीं, एवरेज सा हुआ है, बाकी अब देखते हैं। और जो एक चीज़ मुझे लगी कि SSB इंटरव्यू में और इसमें UPSC वाले इंटरव्यू में क्या मेजर अंतर है, तो जो SSB है वो आपके पास्ट लाइफ से बहुत खेलते हैं कि 10th में कितने मार्क्स थे, टीचर कौन से पसंद थे, फिर क्या क्या तुमने किया, पार्टिसिपेट किया, ये किया वो किया ये किया। UPSC के इंटरव्यू में उनको पिछले लाइफ से कोई मतलब नहीं है, तुम क्या थे, जिंदा थे, मरे थे, क्या किए, पढ़ाई किए, सो रहे थे, टीचर पसंद थे, नंबर कितने थे, उनको इससे मतलब नहीं है। इस वक्त आपकी औकात क्या है ये इस बात पे लेकर आपसे बातें करते हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स, इस वक्त कितना जानते हो, क्या चल रहा है देश दुनिया में, ये सब पूछा। तो ये थोड़े से दोनों SSB और UPSC के इंटरव्यू मेरे को ये अंतर समझ आया। यहाँ थोड़ा रिपीटेड सा है, यही चीज़ें पूछते हैं, और इसमें तो करंट अफेयर्स अगर आ गया किसी से पूछ लिया वो तो हर बार नया ही होगा। और इस बार का स्टैट्स मैं आपको बता दूं इस एग्ज़ाम का, तो कितने लोग अपीयर करते हैं या फॉर्म भरते हैं इसका ऑफिशियल डेटा नहीं है,
कुछ लोग 1 लाख कह रहे हैं गूगल पे, कुछ 2 लाख कह रहे हैं। तो लोअर लिमिट 1 लाख अगर ले लेते हैं, 1 लाख अपीयर करते हैं और 6 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो वैकेंसी जब आई थी तो वो 250 थी, तो 250 का 6 टाइम्स कितना हो गया 1500। तो 1474 लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किया। उसके बाद हमारा होता है फिज़िकल और मेडिकल, उसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ लेकिन मैंने पब्लिश नहीं की है, वो अगस्त में पब्लिश मैंने शेड्यूल्ड पोस्ट लगा दिया था, मैंने सोचा सब कुछ हो जाए तब करूँगा। लेकिन इंटरव्यू का मैं अभी बता दे रहा हूँ, इंटरव्यू का मैं अभी पब्लिश कर दूँगा। और फिज़िकल मेडिकल के बाद 762 लोग बचे जिनका इंटरव्यू होना है। और वैकेंसी थोड़ी सी घट गई, वैकेंसी इस वक्त है 233 और इंटरव्यू देने वाले हैं 762, यानी 762 में से अभी 233 लोगों का नाम लिस्ट में आ जाएगा और बाकियों का नहीं आएगा। तो ये दिस वॉज ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑफ UPSC CAPF इंटरव्यू। और इसका जो क्वेश्चन का वो है वो मैं लगा दूंगा, और अगर आपको वो चाहिए वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा इसकी ट्रांसक्रिप्ट। और ये इंस्टाग्राम हैंडल है इन केस यू वांट टू कनेक्ट विथ अस, जहाँ पे आपको मिलेंगे न्यूज़ और कोट्स, तो आप today's.newspaper इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें बतानी थी, और क्या बताऊँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय।